Welcome to Hub of Cats PS. Kindly like and subscribe to my channel. Assalamualaikum प्यारे बच्चे, उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले तो मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मेरी वीडियो कैसे मिलेगी? सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी है ना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल सके। आज जो मैं कहानी लेके आई हूँ उसका नाम है कौवा और सांप। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गरख पर एक मादा कौवा का घोंसला होता है। मादा कौवा घोंसले में बहुत सारे अंडे देती है और बहुत खुश होती कि इसके अंडे में से बहुत सारे बच्चे निकलेंगे। उसी दरख्त के नीचे सांप का बिल भी होता है और सांप को कौवे की तमाम बातें सुन लेता है। मादा कौवा कुछ देर के लिए खाना तलाश करने के लिए अपना घोंसले से बाहर जाती है। सांप उसे जाता देखता है और सोचता है कि मादा कौवा तो अपने घोंसले में नहीं है, ये मौका अच्छा है कि इसके अंडे चोरी करके खा जाऊं। चुनाचा उस सांप ने फौरन दरख्त पर चढ़ के मादा कौवे के तमाम अंडे खा लिए। जब मादा कौवा वापस आई तो उसने देखा कि एक भी अंडा मौजूद नहीं है। वो बहुत उदास हुई और बहुत ज़्यादा रोई और वो जब सांप से पूछती है कि तुमने किसी को देखा है यहाँ पे आते हुए, तो सांप फौरन झूठ बोल देता है और कहता है नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। कुछ दिन बाद फिर से यही हुआ कि मादा कौवा के तमाम अंडे गायब हो गए, पर इस बार मादा कौवा ने सांप को अंडे खाते हुए देख लिया था। वो सांप को बहुत सुनाती है और कहती है कि तुमने मेरे तमाम अंडे खा लिए, तुम बहुत बुरे हो। सांप कहता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ दिन बाद मादा कौवे ने अंडे चोर सांप को सबक सिखाने का सोचा। उसने बिल्कुल अपने अंडे जैसे पत्थर लाकर अपने घोंसले में रख दिए। सांप ने देखा कि मादा कौवे के घोंसले में तो फिर अंडे मौजूद हैं। जब मादा कौवा घोंसला छोड़ कर गई तो सांप ने सोचा मैं आज फिर ये अंडे खा जाऊंगा। सांप जल्दी से दरख्त पर चढ़ा और तेज तेज वो पत्थर निकल गया जो उसे अंडे जैसे लग रहे थे, जबकि वो अंडे नहीं थे। फिर क्या था, वो पत्थर सांप के गले में अटक गए और सांप उसी वक्त तड़प तड़प कर मर गया। इस तरह मादा कौवे ने सांप को सबक सिखा दिया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चों।